हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। और डैनियम के प्लांट की सुरक्षा में लगे होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। अब आज का टॉपिक है कि हम अडेनियम को कब प्रून करें और कब रिपोर्ट करें। तो आपको बताना चाहती हूँ, अडेनियम डेजर्ट रोज़ है, मतलब गर्मी का पौधा है। इसकी प्रूनिंग और रिपोर्टिंग का बेस्ट समय साल में 2 बार आता है। एक बार अक्टूबर में आता है, दूसरी बार फरवरी में आता है। तो जिन्होंने अक्टूबर में प्रूनिंग कर ली है वो तो बहुत अच्छे हुए, क्योंकि फरवरी के शुरू में ही देखिए बारिश आ गई और हम सभी का हाथ प्रूनिंग और रिपोर्टिंग के लिए बिल्कुल थम सा गया। आपको दिखाना चाहती हूँ कि देखिए, परसों शाम से ही मेरे लखनऊ में तो मौसम बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। चारों तरफ बारिश घिरी हुई है और रात भर बहुत तेज़ तड़तड़ा के बारिश आई। तो ऐसे समय में हमको रिपोर्टिंग और प्रूनिंग के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि ये समय बिल्कुल सही नहीं है। सर्दी गई नहीं कि बारिश भी आ गई फरवरी के शुरू शुरू में ही। 2 और 3 तारीख को खूब अच्छी खासी धूप थी, तो सारे अडेनियम को मैंने, जो कि पूरे जाड़े भर में पन्नी से कवर किए हुई थी, तो खोल दिया। खूब अच्छी धूप लगी। तो मैं आपको कई वीडियो में बताई हूँ, 2 दिन के लिए बाहर गई थी, तो मैं रिपोर्टिंग और प्रूनिंग दोनों नहीं कर पाई। और सारे प्लांटों को घर वापस आते ही देखा, धूप में छोड़ गई थी, लेकिन बहुत तेज़ बारिश आ गई। जैसे ही आई, वैसे सबसे पहला काम अडेनियम की सुरक्षा मैंने करनी शुरू कर दी, क्योंकि ये हमारे सालों साल फ्लावरिंग देने वाले प्लांट हैं। हुआ ये कि बेबी प्लांट को मैंने उठाया और शेड में रख दिया। देखिए, सारे बेबी प्लांट सुरक्षित हैं, ऊपर शेड है, नीचे प्लांट हैं। अब उसके बाद मैं अब आपको ले चलती हूँ बड़े प्लांट के स्टोरेज के पास। देखिए, कुछ प्लांटों को तो मैंने टेढ़ा कर दिया है और इनको भी अभी करूँगी कवर, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ घिरी हुई है। हमारे अडेनियम के लिए, सारे प्लांटों के लिए, विंटर फ्लावर के लिए भी, सारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए बारिश का पानी अमृत के समान होता है। इसमें बहुत नाइट्रोजन मात्रा में होता है, जो फ्लावरिंग के लिए अच्छा होता है, पर अडेनियम के लिए ऐसा नहीं है। जुलाई अगस्त की बारिश को तो ये थोड़ा बहुत झेल भी ले जाते हैं, लेकिन जो सर्दी की बारिश होती है, एक दिन की बारिश तो ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत दिनों से इनको पानी कोई नहीं दिया है और पत्तियों पे धूल गर्दा भी जमा था, वो तो धूल गया। लेकिन एक दिन से ज़्यादा की बारिश हमारे अडेनियम के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। तो अब आपको बताना चाहती हूँ कि कई लोगों ने कमेंट किया कि मैम बड़ा लेट हो जाएगा और अडेनियम की प्रूनिंग अब हम लोग कर लें। तो नहीं, अभी आपको थोड़ा एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि प्रूनिंग और रिपोर्टिंग सब कुछ हमें मौसम के हिसाब से ही करना होता है। अगर आपके शहर में मौसम बारिश का नहीं है तो आप कर लीजिए, और ध्यान रखें कि कटे हुए हिस्से को आपको खुला नहीं छोड़ना है, उस पर कोई फंजीसाइड पाउडर लगा दीजिए। देखिए, मेरा एक प्रूनिंग वाला प्लांट अंदर रखा हुआ लेटा हुआ है, तो इनको मैं प्रूनिंग कर चुकी थी, लेकिन फिर भी अब नहीं करूँगी। प्रूनिंग के बाद कटे वाले हिस्से को खुला मत छोड़िए। फंजीसाइड पाउडर साफ है, वेबिक्सिन है, कुछ भी लगा दीजिए। और नहीं है आपके पास कुछ, तो मैंने दिसंबर के महीने में एक वीडियो आपके लिए बनाया था कि मोम को जला लीजिए और ऊपर से मोमबत्ती को, और ऊपर से कटे वाले हिस्से पर, ये वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था। देखिए, अभी भी मेरे टिप्स पर मोम लगा हुआ है। तो इस तरह मोम लगा देंगे तो कोई फंगस लगने का बिल्कुल ही खतरा नहीं रहेगा। मतलब आपको प्रूनिंग करनी है तो धूप निकले प्रूनिंग करिए और पूरी तरह से सील कर दीजिएगा, जिससे वो उसकी बूंदें, अभी थोड़ी थोड़ी सर्दी भी है और पानी की बूंदें भी इस पर ना पड़ जाएं, नहीं ऊपर ऊपर से फंगस लग जाएगा, आपका प्लांट खराब हो जाएगा।
अब आपको 2-3 दिन के लिए किसी प्रूनिंग करने के बाद 2-3 दिन के लिए कहीं शेडी एरिया में रख दीजिएगा, और जब धूप निकले तो धूप में रख दीजिए ताकि फंगस ना लगने पाए। फिर 2-3 दिन के बाद आप धूप में प्रॉपर रखिए, तब तक हो सकता है मौसम भी अच्छा हो जाए। धूप में रखेंगे तो ग्रोथ बहुत जल्दी होगी और मार्च अप्रैल तक आपके प्लांट में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। पर एक बात महत्वपूर्ण और है कि जो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहती हूँ, मौसम को देखते हुए ही आपको प्रूनिंग करनी है, वरना प्रूनिंग रोक देनी है। अगर बारिश वगैरह आ गई और गलती से हमारा प्लांट भीग गया तो फिर बहुत जल्दी फंगस पकड़ेगा और प्लांट बच नहीं पाएगा। और अगर आप प्रूनिंग कर चुके हैं तो भी सुझाव है आपके लिए कि अभी शेड में ही रखें, बाहर ना निकालें। इस तरह है आपके प्लांट सुरक्षित रहेंगे। और रिपोर्टिंग तो भी आपको अभी नहीं करनी है, क्योंकि रिपोर्टिंग के लिए तो हमको अभी समय उचित नहीं है। लखनऊ में 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, हमारे अडेनियम पर काम करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। भले लेट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। अब देखिए, मैं अपने कोई भी अडेनियम पर कोई काम नहीं किया है, मेरे जैसे हैं वैसे ही पड़े हैं। करने का समय आया तो बारिश आ गई। अब जहां मौसम साफ होगा फटाफट मैं भी प्रूनिंग रिपोर्टिंग करूंगी, बस धूप निकलने का इंतज़ार है। अगर हमारे अडेनियम को एक आध घंटे की बारिश मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, इससे बहुत जल्दी अडेनियम की ग्रोथ होती है। अगर लेकिन 2 दिन से ज़्यादा की बारिश मिल गई तो ये सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। इसलिए आप अभी सुरक्षा में रखिए और तिरछा करके लिटा दीजिए। हमारे तो प्लांट इतने बड़े बड़े हैं, आपको हर वीडियो में बताती हूँ, मदर प्लांट है, कम से कम 100 किलो का है, इसको मैं खिसका नहीं पाती हूँ, उठाना तो दूर। तो इस तरह से लेटा दीजिए बेबी अडेनियम को, शेड में रख दीजिए। और अगर नहीं कुछ भी कर पा रहे हैं तो कोई पॉलीथीन ले लीजिए, बोरी ले लीजिए, और इस तरह से अपने अडेनियम को बारिश से बचा लीजिए। देखिए, अब आपको दिखा रही हूँ लास्ट में, ये देखिए मदर प्लांट को कल ही शाम को मैं बंद कर गई थी, और नीचे जो रूट है इनकी, रूट को भी ये देखिए मैंने एक पानी पाया है, और तुरंत इनकी रूट को भी मैंने कवर कर दिया है, चारों तरफ से इनकी कोडेक्स को बंद कर दिया है, कहीं से भी इनका कोडेक्स खुला नहीं है। इस तरह आप भी बड़े प्लांटों की सुरक्षा कर सकते हैं। अब देखिए, ये सारे प्लांट को मैंने पन्नी में ही रख दिया है, कल ही दबा दिया था कि एक दिन की पानी पा चुके हैं। अब ये जो लेटे हुए प्लांट हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज आने वाली है, बूंदियां शुरू हो गई हैं, इनके ऊपर भी ये देखिए, इनके गमले के ऊपर भी मैं ऐसे पॉलीथीन कवर कर दे रही हूँ, जिससे कि एक पानी तो ये पा चुके हैं और पानी ना पाएं। देखिए, जितनी भी मेरे पास पॉलीथीन है, बोरी है, मैं इन सबको ऐसे ही ढक दे रही हूँ। इस तरह आप भी अपने अडेनियम की, थोड़े दिन की बात है, सुरक्षा कर लीजिए। ये देखिए, ये पन्नी से बाहर थे, सारे प्लांटों को एकजुट में बना लीजिए और इस तरह से सबको ढक दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करिएगा, और अडेनियम को ज़रूर सेव करिएगा, ताकि आने वाले मार्च अप्रैल में हम सभी को अपने गार्डन में खूब अडेनियम की फ्लावरिंग मिले। अभी भी 2-3 छूट गए हैं दोस्तों, अब इनको भी ऐसे घसीट के बंद कर दे रही हूँ। देखिए, पॉलीथीन बड़ी है, सारे इसी के अंदर आ गए। अब पानी कितना भी बरसे, हमारे प्लांट को कोई चिंता नहीं है। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ किसी नई जानकारी के साथ। अगर सूरज निकल आए, धूप आ गई, तो इनकी प्रूनिंग और रिपोर्टिंग के लाइव दिखाते हुए आप भी इनका ध्यान रखिए, क्योंकि और प्लांटों को तो कोई नुकसान नहीं होता बारिश के पानी से, हमारे अडेनियम बहुत जल्दी
सड़ने गलने लगते हैं, रूट रॉट हो जाता है, इनकी जड़ों में पानी ना जाने पाए, इतना ध्यान आपको रखना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करिएगा। थैंक यू।